हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज सिंह। स्मार्टर एवरीडे में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लैंग्वेज प्रोफेंसी का क्वेश्चन पेपर 2017 का, ठीक है। सो 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमारे 2018 में भी पूछे जा सकते हैं, तो सॉरी 2019 में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताने की कोशिश करता हूँ। बीएड पार्ट वन 2017। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू करते हैं। सेक्शन ए, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस इज डायरेक्टेड। हमें, आप लोग जानते हैं कि किसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन ए जो है उसमें के सारे करने हैं, सेक्शन बी और सी, अभी देखते हैं कितने करने हैं उसमें से। तो सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरीज 4 मार्क्स, द मैक्सिमम वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इज 75 वर्ड्स। हमें जो इसमें का जो लिखना है आंसर, वो 75 वर्ड्स का लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा कि अटेम्प्ट एज डायरेक्टेड, हमें वही करना है जो इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रोवाइड द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स, कीन, नून, मेजर, शेयर। कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर ये क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका हमें क्या करना है, कीन का क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट्स अगर करने को आ जाए तो आपको कीन का क्या लिखना है। एक सेकेंड देखिएगा, ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट्स है, ये अगर लिखना हो, जैसे कीन पूछा गया है इसमें, तो कीन का हमें लिखना है ऐसे, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, और यदि आपके पास इजी नोट्स है तो इजी नोट्स में पेज नंबर 25 देखिएगा, उसमें दिया हुआ है। और अगर मेजर आता है, मेजर भी दिया हुआ है 2017 में, मेजर को हमें इस प्रकार से लिखना है वहाँ पे, ये हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट्स होता है। और अगर नून लिखने को आता है तो हम नून को ऐसे लिखेंगे, तब हमें नंबर मिलेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और अगर शेयर आता है तो शेयर को हम, ये देखिए, ये इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट्स है, ऐसे लिखना है। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो ये होती है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट्स। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें देखो सारे हो गए, कीन भी हो गया, नून भी हो गया, मेजर भी हो गया, शेयर भी हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रोवाइड सिटेबल एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनियम्स, विलोम शब्द लिखना है फ्रेंड्स, इसका विलोम उल्टा लिखना है, जैसे हैप्पीनेस है, इसका उल्टा क्या लिखना है, खुशहाली का उल्टा क्या होता है, दुख होता है। बाई माने खरीदना, यहाँ पे इसका सेल हो जाएगा, बेचना हो जाएगा। स्लो माने धीरे, फास्ट माने तेज। गुड लिखा है, इसका हमें यहाँ पे जो है गुड का बैड लिखना है, उल्टा लिखना है। सो फ्रेंड्स, आगे देखिए, लिखा है थर्ड, प्रोवाइड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें ये जो पूरी लाइन दी हुई है, इसका एक वर्ड लिखना है यहाँ पे, केवल एक वर्ड। अर्ली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, इसको एक वर्ड में लिखना है कि ये क्या कह रहा है। द वर्शिप ऑफ आइडियल्स, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है उसे क्या कहते हैं। एक्लिप्स ऑफ द मून, ठीक है। तो इसको जो भी हमें लिखना है इसका आंसर, वो यहाँ पे देना है, एक वर्ड में देना है। उसके बाद और करके दिया है कि पुट डाउन विद इन वुड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड ओनली 4 टिप्स फॉर डेवलपिंग प्रोफेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो ना कर पाए तो आप इसको कर सकते हैं। फोर्थ वन क्वेश्चन है कि यूज इन योर ऑन सेंटेंसेज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स सो एज टू डिस्टिंग्विश देयर मीनिंग। अब ये कह रहा है कि जो जैसे कोर्स, कॉर्स, ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, हमें दोनों वर्ड का, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक लग रहा है, लेकिन इनको अलग अलग यूज करके लिखना है। कोर्स को अलग यूज करेंगे, कॉर्स को अलग यूज करके लिखेंगे, हेयर और हेयर दोनों को अलग करके लिखना है कि इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, आप जानते हैं। एक डियर प्यारा होता है, एक डियर हिरन होता है, तो दोनों को अलग अलग करके लिखना है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुट डाउन विद इन द वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड ओनली 2 टिप्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी। इसको ना कर पाए तो आप ये कर सकते हैं। फिफ्थ वन है कि राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं सिनोनिम्स माने होता है पर्यायवाची, जैसे एंशियंट, एंशियंट का पर्यायवाची क्या होगा, इसका पर्यायवाची लिखना है, जिसका मतलब भी पुराना ही होता हो, प्राचीन। वैकेंट, वैकेंट का पर्यायवाची लिखना है,
ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख आगे चलते हैं। डिपॉजिट का सरोनियम लिखना है और फ्रीडम का जो है सरोनियम लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि यूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स सो एज टू मेक देम प्रोड्यूस द अपोजिट मीनिंग। करेक्ट, क्वाइट, रिफाइंड, टॉलरेंट। पुट डाउन विद इन द वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड ओनली टू टिप्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है कि एड सिटेबल सफिक्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स सो एज चेंज देम इनटू अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, गुड, अगर इसको नाउन में लिखेंगे तो इसका क्या यूज होगा। जॉय एडजेक्टिव में कैसे यूज करेंगे। क्विक वर्ब में कैसे यूज करेंगे, एडवर्ब में। टाइट इसको एडवर्ब में कैसे यूज करेंगे। अगला है कि राइट डाउन विद इन द वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड ओनली टू टिप्स फॉर एन इफेक्टिव इलोक्यूशन। राइट डाउन विद इन द वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड ओनली टू फीचर्स ऑफ इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से हमें केवल दो क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, लिखा है व्हाट मेजर वुड यू टेक टू टीच इंडियन स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फोर लैंग्वेज स्किल्स एंड दियर इंटरडिपेंडेंस। राइट अ पैराग्राफ विद इन द वर्ड लिमिट ऑफ 200 टू 250 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। टीचिंग, ये पॉइंट जो है या आपके अभी जो आपने पेपर दिया है इसमें ये आज ही क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है, 2019 में जो आज की डेट में 24 को जो आपने लैंग्वेज का पेपर दिया इंग्लिश का, उसमें ही पूछा गया क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में। डिस्कस क्रिटिकली द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एंड स्पेशियल सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड, हाँ तो ये यहाँ पे थे हम। डिडक्टिव एंड स्पेटियल एंड लाइनियर टेक्निक्स एंड मेथड्स एज प्रिस्क्राइब फॉर योर स्टडी। ये हो गए। अब सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में आते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द विलेज कॉलेज। आप तो जानते हैं कि हमें यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है। डिस्कस द पार्ट्स ऑफ अ पर्सनल लेटर विद सिटेबल इलस्ट्रेशंस। ड्राफ्ट एंड इम्प्रेसिव रिज्यूम टू बी सबमिटेड टू द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी फॉर द पोस्ट ऑफ वर्क्स मैनेजर इन दैट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्ट एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ यूनिवर्सिटी टू बी सेंट टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर फॉर पब्लिकेशन। पेन डाउन विथ 500 to 550 वर्ड्स योर विजिट टू अ लैंग्वेज लेबोरेटरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक ये पेपर हमारा 2017 का जो प्रोफेंसी का पेपर है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। आप इस क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हैं नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं।